गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम कर रहे थे, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 100 मोबाइल फोन्स वर कंसाइंड बाय कमल ऑफ दिल्ली टू दक्ष ऑफ अम्बाला एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज ईच। पैकिंग चार्जेस रुपीज 1,000, फॉरवर्डिंग चार्जेस रुपीज 5,000 एंड फ्राइट रुपीज 3,500 वर इंकर्ड बाय कमल। दक्ष रिसीव्ड द कंसाइनमेंट एंड कैरेज रुपीज 2,500, ऑक्ट्राई 1,500 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज वर पेड बाय हिम। 75 मोबाइल फोन्स वर सोल्ड बाय दक्ष एट द रेट ऑफ 6,500 रुपीज ईच। दक्ष इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फोन इज नाउ 4,800 रुपीज। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हमें सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो सबसे पहले टू गुड सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने गुड सेंड की उसने, 5,000 रुपीज ईच के हिसाब से 100 मोबाइल फोन्स उसने सेंड किए। तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख। देन क्या क्या उसने एक्सपेंसेस किए, पैकिंग चार्जेस दिए 1,000 रुपीज, फॉरवर्डिंग चार्जेस 5,000 रुपीज, फ्राइट 3,500। ये सारे इंकर्ड किए हैं कंसाइनर ने, तो सारे के सारे हम यहाँ लिख देंगे। टू कैश अकाउंट, पैकिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस, फ्राइट। देन दक्ष ने रिसीव किया कंसाइनमेंट और उसने जो खर्चे किए दैट इज कैरेज 2,500, ऑक्ट्राई 1,500 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 9,000। तो इन सबको भी हमने लिख दिया। देन 75 मोबाइल फोन्स वर सोल्ड बाय दक्ष एट द रेट ऑफ 6,500 रुपीज ईच। दक्ष इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन। दक्ष को 5% कमीशन मिलनी है। और उसने सेल्स कितना किया है, 75 इंटू 6,500। तो 75 इंटू 60 जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 487,500। इसका 5% आपने निकाला तो ये उसकी कमीशन आ गई 24,375। देन अनसोल्ड जो स्टॉक है उसके पास कितना पड़ा है, 25 मोबाइल्स अनसोल्ड हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक अगर हम निकालें तो कॉस्ट 25 फोन्स की 25 इंटू 5,000 रुपीज़। खर्चा जो कंसाइनर ने किया वो तो सारा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये पूरे 9,500 रुपीज़ का आपने प्रपोर्शनल निकाल लिया। तो 95 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। प्रपोर्शनेट कंसाइनी के एक्सपेंसेस का सिर्फ कौन सा होगा जो नॉन रिकरिंग नेचर के, वो क्या क्या है, कैरेज और ऑक्ट्राई। तो 4,000 रुपीज़ का 25/100 आपका 1,000 रुपीज़ आ गया। तो टोटल कॉस्ट आपकी अनसोल्ड स्टॉक की हुई 128,375। तो अब ये अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट इतनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दी हुई है हमें, वो क्या कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फोन इज़ नाउ 4,800। जब हम अनसोल्ड स्टॉक को लिखते हैं तो हमारा एक रूल फॉलो होता है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। अभी जो हमने निकाला है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है क्लोजिंग स्टॉक का। अब इसी का अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या निकलेगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो ईच फोन की दी हुई है दैट इज़ 4,800। तो 25 इंटू 4,800 हमारा आया 1,20,000। अब इसमें से हम जो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो भी माइनस होंगे, तो इसमें से जो कमीशन है हमारी 5% वो भी माइनस होगी। तो आप 1,20,000 का अगर 5% कमीशन निकालेंगे तो आएगा 6,000। तो माइनस करके आपका जो वैल्यू आया दैट इज़ 1,14,000। तो ये मार्केट प्राइस है आपका क्लोजिंग स्टॉक का और ये कॉस्ट प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का। तो विच एवर इज़ लेस, लेस में मार्केट प्राइस लेस है आपका, तो हमने यहाँ पे जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है वो मार्केट प्राइस पे लिखा है। उसके बाद दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया। यहाँ सेल्स आपकी ऑलरेडी दी हुई है, उसने सेल्स किए हैं 75 मोबाइल फोन्स एट द रेट ऑफ 6,500 रुपीज़। तो ये आपकी सेल्स आ गई 487,500। जब दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा।
read the question. 3. Then next जो हमारा topic है that is when goods are consigned at invoice price. इसका क्या मतलब है? कई बार जो consigner है जब वो goods send कर रहा है consignee को तो वो cost price पर send नहीं करता है, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर सेंड उसे करता है. तो वो जो हायर प्राइस पे जिस पे आप सेंड कर रहे हो गुड्स कंसाइनी को, उसे हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस या इन्फ्लेटेड प्राइस. जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो है 1,50,000. आपने उसमें 20% लोडिंग लगाई. 20% लोडिंग का मतलब है कि आपने उसका जो प्राइस इन्फ्लेट किया, उसका प्राइस जो इंक्रीज किया, आपने 25% हायर प्राइस दिखा दिया. तो जो परफॉर्मा इनवॉइस पे आपने प्राइस लिखा वो लिखा 1,80,000. तो ये जो 1,80,000 रुपीज़ है ये आपका इनवॉइस प्राइस है. हम गुड्स जो कंसाइनमेंट में भेज रहे हैं हम उसे इनवॉइस प्राइस पर क्यों भेजते हैं, क्या पर्पस होता है? जो कंसाइनर है वो सीक्रेट रखना चाहता है कंसाइनी से कि कंसाइनमेंट की कॉस्ट क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, वो उसको सीक्रेट रखना चाहता है कंसाइनी से. क्योंकि अगर उसे लगता है कि अगर कंसाइनी को कॉस्ट ऑफ गुड्स पता चल गई तो हो सकता है वो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये पर्पस हो सकता है. इसके अलावा जो कंसाइनर है वो नहीं चाहता कि उसका जो प्रॉफिट है वो पता चले कंसाइनी को. कंसाइनर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है बाय सेंडिंग द गुड्स एट अ हायर प्राइस. कई बार जो कंसाइनी है वो उसे कहा जाता है कंसाइनर के थ्रू कि उसने गुड्स सेल करनी है इनवॉइस प्राइस पर और वो सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. इससे कंसाइनर जो होता है उसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल रहता है सेलिंग प्राइस और स्टॉक पर. तो ये पर्पस होता है कि क्यों जो गुड्स हैं कंसाइनर इनवॉइस प्राइस पर सेंड करता है. तो नेक्स्ट अब इसमें एक चीज़ यहाँ से अराइज होती है कि अगर आप सेंड कर रहे हो गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर तो जो आप बना रहे हो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रिगार्डिंग कि वहाँ पे अगर आप इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहे हो तो अगर आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अपना जानना है तो जो डिफरेंस है बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी. तो उसकी एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे. तो देख लेते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू. इफ गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 आर सेंड एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,80,000 तो क्या क्या इसका इफेक्ट जो एडजस्टमेंट है हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि लोडिंग जो आपने की है, मतलब जितने से आपने प्राइस हायर किया है वो आपको किस किस जगह पे दिखाना होगा. एक तो जो आप गुड सेंड कर रहे हो कंसाइनमेंट में वो तो आप मतलब जो कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करोगे, जब हम लिखते हैं डेबिट साइड पे गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट वहाँ पे तो अमाउंट आप इनवॉइस प्राइस वाला ही लिखेंगे, मतलब 180 ही लिखेंगे. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 180. उसके बाद जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे आपको इसकी एडजस्टमेंट दिखानी है. तो जितने का डिफरेंस है वो हम वहाँ दिखाते हैं. तो वो एडजस्टमेंट दिखाने के लिए हमारी एंट्री होती है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज़. देन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक एंड में बचता है उसमें भी तो वो लोडिंग इंक्लूड है, तो वो लोडिंग जो एट द एंड आपकी हो रही है उसको भी आपने शो करना है. तो उसको शो करने के लिए भी एंट्री होती है, वो क्या, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ये जो लोडिंग हमारी इसमें इंक्लूड थी वो कितने की इंक्लूड थी, 20% की इंक्लूड थी हमारी, तो हमने 180 का 20% कर दिया, तो 36,000 रुपीज़. देन अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसमें भी जो आपकी लोडिंग इंक्लूड है, ये जो हमने लोडिंग की है ये की है हमने किस चीज़ की लोडिंग, जो आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट द एंड था. अब 180 के हिसाब से अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है आपके पास, मतलब जो आपने ये निकाला है 30,000 जो लोडिंग निकली है वो पूरे की निकली है. अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग कितनी है उसको हम स्टॉक रिजर्व में सेंड करेंगे. तो उसके लिए जो हमारी एंट्री होगी दैट इज़ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 6,000 रुपीज़. और जो भी बैलेंस होगा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे
ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो बैलेंसेस है आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व का, उसे सेंड करेंगे आप डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर कंसाइनमेंट अकाउंट के। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 500 कैमराज वर सेंट बाय मुकेश टू सोहन ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ 2200 रुपीज ईच। द कॉस्ट ऑफ ईच कैमरा वॉज 2000 रुपीज। मुकेश स्पेंट 19,000 रुपीज ऑन पैकिंग एंड डिस्पैच। सोहन रिसीव्ड द कंसाइनमेंट एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड मुकेश बिल फॉर 6,50,000 रुपीज। सब्सिक्वेंटली सोहन इन्फॉर्म्स मुकेश दैट 460 कैमराज हैव बीन सोल्ड एट 2450 ईच। एक्सपेंसिस पेड बाय सोहन आर फ्राइट 11,000, ऑक्ट्राई 7,000, गो डाउन रेंट 5,000 एंड इंश्योरेंस 3,500 रुपीज। सोहन इज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डनरी कमीशन ऑफ 6% एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन सेल्स। सोहन सेंड्स द बैलेंस ड्यू टू मुकेश इन कैश। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे देखते हैं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने की गुड सेंड हुई? 500 इंटू 2200 रुपीज। आपका था कितने की कॉस्ट, कितनी थी आपकी? 2000 रुपीज की पर कॉस्ट थी, लेकिन हम लिखेंगे किस हिसाब से? 2200 रुपीज के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो 500 इंटू 2200 रुपीज ईच, तो आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 11 लाख रुपीज। उसके बाद जो जो आपने एक्सपेंसेस किए, आपने एक्सपेंसेस कौन कौन से किए? मुकेश ने 19,000 पैकिंग एंड डिस्पैच पर, और मुकेश ने जो सोहन ने जो एक्सपेंसेस पे किए वो कितने हैं? फ्राइट, ऑक्ट्राई, गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमने ये एक्सपेंसेस लिख दिए, टू कैश अकाउंट 19,000 और सोहन के एक्सपेंसेस आपके टोटल 26,500। देन सोहन को जो आपने कमीशन देनी है, सोहन ने सबसे पहले कितने सेल्स किया? सोहन ने 460 इंटू 2450, तो जो उसने सेल्स की 11,27,000। उसके बाद उसके ऊपर हमने कमीशन देना है, उसके को कमीशन कितने का मिलना है उसको? 6% ऑर्डनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन सेल्स। तो मतलब जो 11,27,000 की उसने सेल्स की, उसके ऊपर आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे और ये निकल गया आपका कमीशन 90,160। उसके बाद बेटा जो आपका गुड्स आपने सेंड की वो की 11 लाख की, लेकिन एक्चुअल में वो थी कितने की? 500 इंटू 2000 की। आपने उसे 2200 पर सेंड किया, थी ईच वो 2000 की। तो हमारा जो लोडिंग थी वो उसमें कितने की इंक्लूड हुई? 200 के हिसाब से। तो 500 इंटू 200 आपका 1 लाख उसमें लोडिंग इंक्लूड थी, तो उसे हमने यहाँ शो कर दिया बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज। देन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना बचा हुआ है? आपका 4460 कैमराज आपने बेचे, तो 500 माइनस 460 40 कैमराज, तो 40 कैमराज इंटू 2200 के हिसाब से 88,000। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनर के 19,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 500। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनी का सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर के, तो 18,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 500 1440। ये तो आपके आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में भी आपका जो इनवॉइस साइज की लोडिंग है वो इंक्लूड है, तो हमारे कितना यहाँ पे लोडिंग इंक्लूड है? आपके टोटल जो एक में लोडिंग इंक्लूड है दैट इज आपके 200 रुपीज, तो 200 इंटू 48,000 की आपकी लोडिंग इंक्लूड है। तो टू स्टॉक रिजर्व हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों साइड्स को बैलेंस आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।